दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मूवीज के कॉन्सेप्ट और थ्योरीज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाने की आदत होगी। लगता होगा कि इसमें कुछ तो सच्चाई जरूर है, लेकिन क्या वो सच्चाई सच में होती है? दोस्तों, मेरा नाम है पारितोष सिंह बघेल और आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप लोगों ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जरूर देखा होगा और उसमें का वो सीन आपको जरूर याद होगा जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज 14,605 टाइम्स अल्टरनेटिव फ्यूचर देख चुका होता है, जिसमें से वो सिर्फ एक बार जीत पाते हैं। होप कि आप लोगों को ये सीन याद हो। अब ये तो बात हो गई मूवी की, अब हम आते हैं अपनी थ्योरी पे। आप लोगों ने रामायण तो जरूर देखा या सुना होगा। अगर नहीं देखा या सुना भी नहीं तो आपका अस्तित्व खतरे में है। तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस में एक कैरेक्टर का उल्लेख है जिनका नाम है काकभुशुंडी, जो कि भगवान श्री राम के परम भक्त थे और पहले ऐसे प्राणी थे जिन्होंने स्वामी वाल्मीकि और स्वामी तुलसीदास से भी पहले गरुड़ जी को रामायण सुनाई थी। इसी के साथ साथ ऋषि लोमस ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। लेकिन जब कलयुग के चिरंजीवियों की गिनती होती है तो इनकी बात कम ही की जाती है और कहा जाता है कि ये ऐसी जगह पे रहते हैं जहां कलयुग का असर नहीं होता। एक बार काकभुशुंडी उज्जैन में थे। अपने गुरु से दुर्व्यवहार करने पर शिव जी ने क्रोधित होकर काकभुशुंडी को श्राप दिया कि वो 1,000 जन्म लेंगे। ये देखकर काकभुशुंडी के गुरु जी को उन पर दया आ गई। फिर उन्होंने शिव जी से विनती की कि इस श्राप को थोड़ा कम कठोर करें। शिव जी ने उस श्राप को वापस तो नहीं लिया, लेकिन उन 1,000 जन्मों से होने वाले जीवन मरण की पीड़ा को क्षमा कर दिया और साथ ही वरदान दिया कि वो अपने पिछले जन्मों की यादों को कभी नहीं भूलेंगे। एक बार नीलकंठ पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कुछ ही दूर काकभुशुंडी कौए के रूप में राम कथा को बड़ी ही लगन से सुन रहे थे। ये देख शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम अनंत काल तक श्री राम के परम भक्त रहोगे और साथ ही साथ भूत भविष्य वर्तमान में यात्रा करने का वरदान दिया जिससे वो समय चक्र लांग सकते थे। इसी वजह से काकभुशुंडी ने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार अलग अलग परिणामों से देखा था और वो परिणाम क्या थे ये तो हम नहीं जान सकते। दोस्तों, आज कलयुग में आप जो भी आधुनिक चीज देखते हैं, चाहे वो यंत्र हो या मूवीज, सब में आपको इतिहास की छवि दिखाई दे सकती है। बस अपने मस्तिष्क का द्वार खोले रखिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।